हेलो फ्रेंड्स, आज इस पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ रवा उत्पम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही बेसिक और इजी रेसिपी है। इसे हर कोई ट्राई कर सकता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ में दिए बेल बटन को दोबारा ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। आइए फ्रेंड्स, तो आज बनाते हैं उत्पम, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या लगेगा। सबसे पहले तो मैंने एक कप सूजी ली है, आधा कप मैं दही लूंगी और इसमें पहले हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर में हम एक कप सूजी डाल लेंगे, फिर इसमें आधा कप दही डालेंगे, एक मैंने हरी मिर्ची डाली है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, थोड़ी सी चॉप्ड अदरक डाल रही हूं, कुछ करी पत्ता। अब हम इसको पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। पानी मैंने एक कप लिया है, इसको हम मिक्स करके 10 मिनट के रेस्ट के लिए रखेंगे और जब तक सूजी थोड़ी सी फूल जाएगी, ये ऐसे एकदम गाढ़ा घोल तैयार हो जाएगा और इसको हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। उसके बाद इसको पानी के साथ एडजस्ट कर लेंगे, तब तक हम इसको 10 से 15 मिनट के रेस्ट तक रख देंगे और बाद में हम इसको इसका बैटर तवे पे डाल के इसके साथ उत्पम तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ये प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, कुछ धनिया पत्ती और तेल ले लिया है। ये फ्रेंड्स, तो चेक कर लेते हैं बैटर को। ये सूजी अब अच्छे से फूल गई है, इसको अब पानी डाल के थोड़ा सा इसको पतला कर लेंगे। जरूरत के हिसाब से ही पानी डालें। मैं थोड़ा सा पानी डाल के पहले चेक कर रही हूँ, देखिए अब ये पतला हो गया है, हमें ऐसी कंसिस्टेंसी ही चाहिए। अब हम इसको तवे पे डालेंगे। तो चलिए, मैंने तवा पहले से हीट कर लिया है, तो अब इसको उस पे डालते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो तवा गर्म हो गया है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर हम बैटर को डालेंगे। बिल्कुल ऐसे हल्का सा डाल के इसको थोड़ा सा फैला दें। इसके ऊपर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा प्याज, थोड़े टमाटर, और थोड़ी सी शिमला मिर्च डालूंगी। ये आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप गाजर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। और थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़ा सा सॉल्ट, स्वाद अनुसार आप सॉल्ट डाल सकते हैं। अब हम इसको हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि वेजिटेबल्स थोड़ी अंदर चली जाएं, और फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे। देखिए कलर भी आ गया है पीछे। अब हम इसको एक मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसको फ्लिप कर देंगे। ये देखिए
अब हम इसको पीछे से थोड़ा सा पका लेंगे और वेजिटेबल हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। ये अब हमारा उत्पम बिल्कुल रेडी है। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और ऐसे ही हम दूसरा उत्पम भी रेडी कर लेंगे। ये हमारा उत्पम रेडी है। अब आप इसको किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं।